वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रही थी और उसके मैं तैयारी में बहुत व्यस्त था। मैं ड्रॉइंग बना रहा था पर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसके लिए मुझे बहुत ही खेद है फ्रेंड्स। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे, मैं पहली बार अपना फेस रिवील कर रहा हूँ, तो अगर इस वीडियो में कुछ कमी रह जाए या फिर गलती हो जाए, अपना छोटा भाई समझकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या कमी रह गई। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे आसपास शादी की माहौल चल रही है तो नॉइज थोड़ी बहुत आ सकती है, इसके लिए आप प्लीज़ एयरफोन लगाकर जरूर सुनिएगा। और मैं अपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना कर रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं भी एक बिगनर्स था, मैं भी अभी भी हूँ, मैं पहले गलतियाँ करता था, अब थोड़ी बहुत कुछ प्रैक्टिस करने से, उतना जानकारी लेने से मुझे कुछ मेरे ड्राइंग में इम्प्रूव आई है। मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ, मैं अपनी फीलिंग आपको बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपको इस बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रेंड्स, मैं भी एक बिगनर हूँ, जब मैंने ड्राइंग का करना स्टार्ट किया था तो मेरे मन में सवाल उठते थे, मैं कैसा पेपर लूँ, कलर लूँ, ब्रशेस लूँ। तो मुझे करते करते कुछ एक्सपीरियंस हुए और मुझे कुछ पेपर अच्छे हुए, वही मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए शेयर करते हैं। पहले मैं पेपर दिखाऊंगा, ये तो आप सभी जानते होंगे, ये चार्ट पेपर है जो पास के ही दुकान में आपको मिल जाएंगे। इसकी जो सरफेस होती है ये बहुत ही रफ होती है और वाटर कलर प्रैक्टिस करने में बिगनर्स के लिए बहुत ही सूटेबल है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। ये चिप भी है, 5 रुपए में से मिलती है और ये बहुत बड़ी थी, मैंने इसको कट करके क्लीन किया। और क्लासमेट्स, मैं उसमें बहुत सारा पोर्ट्रेट बनाता हूँ पेंसिल से, ऑयल पेस्टल का भी यूज़ करता हूँ, पेंसिल से भी बनाता हूँ, वो कॉपी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये क्लासमेट की है, एक क्लासमेट की कॉपी है, ये आपको मार्केट में 45 रुपीज की मिल जाएगी। इसमें मैंने पोर्ट्रेट भी बनाए, ये आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, मुझे इसमें जो ब्लाइंडिंग करना था मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसकी सरफेस भी स्मूथ है, आप इस पर इजिली स्केच कर सकते हैं। और मैं इसमें की छोटी भी आती है, ये 4 साइज की मिल जाएगी, ये आपको 30 रुपये में मिलेगी। फ्रेंड्स, अब वाटर कलर पेपर का कौन सा इस्तेमाल करता हूँ, तो फ्रेंड्स मैंने ये स्टेशनरी का दुकान से ख़रीदा था, ये प्रिंसली का 20 शीट A3 साइज पेपर है, आप इसको कट भी कर सकते हैं, A4 साइज बना सकते हैं। और ये मुझे 150 में मिला था, मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ पास से। ये कोल्ड प्रेस मतलब होता है क्या, मतलब स्मूथ सरफेस, जैसे मान लीजिए आप किसी कपड़े को प्रेस करते हैं तो आप हॉट प्रेस को लगाते तो वो स्मूथ हो जाता है और कोल्ड को वो रफली हो जाता है, तो वैसे मान लीजिए इसको हॉट प्लेट्स में किया जाता है तो ये स्मूथ होते हैं। और फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पेपर पे आपको इसके गुड बताऊंगा, अच्छे फायदे बताऊंगा और कलर करके। चलिए फ्रेंड्स, अब कलर के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, ये है पोस्टर कलर जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे मैं शुरू से ही करते आ रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मैं आपको इसका वो ट्यूब भी दिखा देता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इसके 5 ml आ जाते हैं। ये कैमल की है पोस्टर कलर। और फ्रेंड्स, ये कैमल की आर्टिस्ट वाटर कलर है, केक्स है, ये आपको 18 शेड्स मिलेंगे, आपको ऑनलाइन ये मिल जाएंगे, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये देख सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, मुझे ट्रांसपेरेंट वाटर कलर लगे थे, ये फैल भी रहे थे अच्छे से, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अप्सरा की, जब मैं बिगनर्स था तो मुझे कलर के बारे में जानकारी नहीं थी, तो मैं अप्सरा की 6 वाटर कलर लिया था जो कि मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैंने ऑनलाइन परचेज किया था ये
आर्टिस्ट वाटर कलर 12 शेड्स है जो कि 180 में मिल जाएगी। मुझे कलर्स बहुत अच्छे लगे थे फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो मैं सारे कलर का कंपेयर करके आपको बता सकता अगर आप कमेंट सेक्शन में बोले तो। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। ज़्यादा ज़्यादा भूलिएगा मत, हमारे चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी करें। बाय। अरे फ्रेंड रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं फ्रेंड्स? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने अभी तक कोई वीडियो में लाइक टैग नहीं रखा, इस लाइक टैग में प्लीज़ 100 लाइक तो जरूर करिएगा। 100 लाइक। बाय।